नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। डीएपी खाद की कालाबाजारी के लिए प्रशासन की कई दिनों से हो रही किरकिरी के बाद कृषि विभाग अब एक्शन मोड में दिखाई दी। किसानों की सूचना पर कृषि विभाग द्वारा जब एक फर्म के गोडाउन को चेक किया गया तो उसमें गैर कानूनी तरीके से स्टॉक की गई 132 डीएपी खाद के बैग बरामद किए गए। स्टॉक में रखे गए 132 डीएपी खाद के बैग किसानों की मारामारी के कारण विभाग द्वारा उसी समय किसानों में बांट दिया गया। साथ में फर्म का लाइसेंस रद्द कर गोडाउन को सील कर दिया गया। अंबाला के बांस बाजार में नकोदर के साई विकी शाह जी के जन्मदिन पर नगर निगम की पहली महिला मेयर शक्ति रानी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंच बाबा मुराद शाह जी का आशीर्वाद लिया। बाबा मुराद शाह जी का आशीर्वाद लेने के बाद लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सिरसा के अलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को संपन्न हुए उपचुनाव में इस बार 81.38% बंपर वोटिंग हुई। हलके के करीब 1,86,000 मतदाताओं ने गोविंद कांडा, अभय चौटाला और पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अब उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। वहीं रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम एलानाबाद नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि एलानाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मतदान के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी बूथों पर किए गए बचाव प्रबंधों में मतदाताओं ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड का वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसमें समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा। पीएम ने कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो, सतर्क भी हो, विनम्र हो, विकसित भी हो। उन्होंने देशहित सबसे पहले रखा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने से पूरी तरह से सक्षम हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की एकता के प्रति सरदार पटेल का हमारी अग्रणी राष्ट्र निर्माताओं में उच्च स्थान है। राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा, नैतिकता पर आधारित कार्य संस्कृति की स्थापना और राष्ट्र सेवा के लिए देशवासी सरदार पटेल के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा, उनका जीवन हर भारतवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए खुद को समर्पित करता है। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर आयोजित समारोह को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मातृभूमि के लिए सरदार का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष, त्याग हर भारतवासी को खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फिर से जो बाइडेन और मैक्रों के साथ बातचीत की। वहीं फ्रांसिस राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया।
G20 सम्मेलन के लिए इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि अगले साल से भारत विश्व के लिए 5 बिलियन वैक्सीन डोज का उत्पाद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए हमें अलग अलग देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की परस्पर मान्यता सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने भारत की कोरोना जंग की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक तरफ अपने देश की उपलब्धियां बताई तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की भी सहायता की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि फार्मसिस ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाते हुए भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई, साथ ही हमने वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 12,912 नए मामले सामने आए, 445 मरीजों ने दम तोड़ा, एक्टिव केस 1,53,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,427 नए केस, 7,166 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 78,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 614 नए मामले, 2,148 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 16,900 के पार। हिमाचल में कोरोना के 145 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 11 नए मरीज रिकवर हुए। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.34 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल का रेट अब 98.07 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 115 रुपए तक बढ़े हैं, तो वहीं डीजल के दाम 106.23 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109.79 रुपए प्रति लीटर हुए हैं, तो वहीं डीजल 101.19 रुपए प्रति लीटर हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 106.04 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 101.92 रुपए लीटर में बिक रहा है। डब्बाली में डीजल ने भी शतक लगा दिया है, जहां डीजल की कीमत 100.25 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव और भगवत गीता समारोह मनाया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में भगवत गीता की भूमिका जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद श्री जी महाराज ने कहा कि 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 11 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 12 दिसंबर को विराट संत सम्मेलन होगा, जिसमें देश के प्रमुख साधु संत सन्यासी भाग लेंगे। 14 दिसंबर को भगवद गीता की दिव्य आरती होगी। चरखी दादरी में पंजाब नेशनल बैंक ने दादरी सिविल अस्पताल को करीब 10 लाख रुपए की ऑटो एनालाइजर मशीन भेंट की है। इस मशीन से एक समय में 150 के करीब टेस्टों की एक साथ जांच हो सके। सामान्य अस्पताल में नगराधीश अमित मान की उपस्थिति में पीएनबी के रेवाड़ी मंडल प्रबंधक आरके मीणा ने ये मशीन भेंट की। हरियाणा में एक बार फिर से HSSC की तरफ पुरुष पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित करवाई गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पिछली बार ये पेपर लीक हो गया था और उस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं करनाल में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर किसी और परीक्षार्थियों की जगह कोई और आकर परीक्षा दे रहा है। ये परीक्षाएं करनाल में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सोना में पुलिस ने दो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। दरअसल डिलीवरी बॉय अमेजोन से मंगाए ओरिजिनल सामान को बदलकर डुप्लीकेट सामान रखकर ग्राहकों को ठगा रहे थे। इसी को लेकर सोना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी इस घटना को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। अभी तक इन्होंने अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से सामान्य अन्य आरोपियों की नाम पता मालूम करेगी। गुहाना में मोस्ट वॉन्टेड की तलाश जारी है। गुहाना में हत्या के षड्यंत्रकारी नवीन उर्फ छोटा ने CIA की टीम के रिमांड अवधि के दौरान कुल 14 वारदातों का खुलासा किया, जिनमें से उसने हत्याओं की वारदातें कबूल की हैं। नवीन उर्फ छोटा ने अपहरण समेत अन्य मामलों में भी शामिल होने की बात कही है। ऐसे में अब पुलिस उसके जो साथी जेल में उन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर लेने और अन्य को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। CIA स्टाफ टीम ने भैंसवाल कला गांव निवासी नवीन उर्फ छोटा को कटवाल गांव निवासी अजय की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में यूपी की गौतम बुद्ध नगर जेल में से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। उसे 20 दिन पहले ही नोएडा की SIT ने गिरफ्तार किया था। CIA की टीम उसे न्यायालय से 7 दिन के रिमांड को लेकर पूछताछ कर रही है। पहले नवीन ने 4 हत्या की वारदातों का खुलासा किया, जिसके बाद CIA टीम की पूछताछ में 10 और वारदातों का खुलासा किया। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 21 किलो अफीम सप्लाई करने के मामले में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को CIA 2 पुलिस को ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गांव महमूदपुर में 14 जून को आरोपी के मकान पर दबिश दी गई है। आरोपी इससे पहले नशा तस्करी के एक अन्य मामले में जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। झज्जर में शुक्रवार की शाम ट्रेंड फेयर मेले में युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावर और हत्या की जान के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। झज्जर सिटी पुलिस अपराध शाखा की टीम और DSP राहुल देव शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा भी लेते हुए नजर आए। पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा गया है। मृतक युवक की पहचान 32 साल के वेद प्रकाश पुत्र बंसीलाल निवासी झज्जर के रूप में हुई है। वेद प्रकाश अंबेडकर चौक पर ही पूजा हेयर ड्रेसर के नाम से बार्बर की दुकान पर काम करता था। कैथल की सिवन मंडी में किसानों की लेट पेमेंट करने की अवज में खरीद एजेंसियों ने आढ़ती से पेमेंट तो काट ली, लेकिन राशि ना तो किसान को दी और ना वापस आढ़तियों को, जिसका आढ़ती अफसोस जाहिर कर रहे हैं। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि जिले के कुछ अधिकारी जानबूझकर उस ब्याज की राशि को जब्त किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्दी से किसानों को काटी गई राशि वापस लौटाई जा सके। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने फरीदाबाद के सेक्टर 31 में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबे थे, लेकिन हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास अपनी गति पकड़ चुका है। गुरुग्राम में पहली बार मानेसर पुलिस लाइन में चोरों ने ताला तोड़कर दिन दहाड़े 11,05,000 रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार सुशांत लोक ट्रैफिक हेडक्वार्टर में MHC के पद पर तैनात हैं। उनके घर में ही दिन दहाड़े चोरी हो गई। महम कस्बे के हिसार बाईपास पर आरओ वाटर की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए काफी बड़ी खेप बरामद की है। इसके अलावा शराब बनाने की मशीनें में अन्य सामग्री भी बरामद हुई। तैयार शराब की लगभग 500 पेटी पकड़ी गई। वहीं शराब बनाने के लिए एक खास फ्लेवर भी पुलिस को बरामद मिला। पुलिस के अनुसार ये शराब यूपी सहित दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। आरओ वाटर सिस्टम लगाकर उसकी आड़ में हो रहा है अवैध शराब का कारोबार।
पलवल के गांव बगौला में पटाखे बनाने वाली दर्जनों कंपनियां हैं जो खुलेआम पटाखे बेच रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार के साथ साथ एनजीटी के आदेश हैं कि पटाखे ना जलाएं और ना बेचें। लेकिन पटाखे बेचने वाले मालिकों का कहना है कि उनको जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वे बेचते रहेंगे। लेकिन जब बगौला चौकी पुलिस ने इस बारे में बात करनी चाही तो वे चौकी से बहाना बनाकर निकल गए। इससे लगता है कि पुलिस की मिलीभगत से सब खेल चल रहा है। फरीदाबाद में पोल्यूशन ग्राफ अभी भी कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। दीपावली के दिन छोड़े जाने वाले पटाखे फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं। आईपीसी एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि अगर पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकना है तो इसके लिए तीन कारगर कदम उठाएं। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंडस्ट्रीज एरिया में रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए। हाईवे पर कंस्ट्रक्शन के काम को जो चल रहे हैं उसे बीच बीच में रोक देना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि नगर निगम को ग्रीनरी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोल्यूशन से बचने के लिए लोगों को खुद भी ध्यान देना चाहिए। बल्लभगढ़ शहर और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे में दबा दिया। पूरी कार्रवाई में पुलिस मौजूद रही और उप तहसील के नायब तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। शनिवार को झज्जर में एक महिला का पर्स पलक झपकते ही चोरों ने गायब कर दिया। महिला के बैग में लगभग 20,000 रुपए थे। पीड़ित महिला पुष्पता का कहना है कि वह गांव माछरौली की रहने वाली है और उन्होंने बच्चों के लिए खरीदारी करने आई थी। दीपावली के अवसर पर फायर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं एक टीम गठित की गई है जो शहर के तमाम फायर ऑफिस में मौजूद रहेगी। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के कारण आगजनी का डर बना रहता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में स्टेट ऑफिस जीएमडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएमडीए ने ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण चल रहे रेस्टोरेंट, नर्सरी और साइबर कैफे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त किया गया। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा रखा गया है। 6 रेस्टोरेंट, 2 मोबाइल कैफे, 4 नर्सरी और भी कार्रवाई चल रही है। सोनीपत के रायगांव में रसगुल्ले की फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है, जहां मौके पर टीम की अगुवाई में 2 क्विंटल घटिया और खराब क्विंटल रसगुल्ला नष्ट करके जमीन में दबाया गया। बाकी रसगुल्ले के सैंपलिंग कर जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। फैक्ट्री और गोदाम में 37 बड़े ड्रम और 12 छोटे ड्रम में रसगुल्ला भरकर रखा गया था। अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के निकट अंबाला और पंजाब पुलिस ने देर रात छापेमारी कर अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। सूचना मिलने के बाद मोहाली डीएसपी सहित उनकी टीम अंबाला पहुंची और डीएसपी अंबाला के साथ देर रात मोहड़ा में छापेमारी की। तलाशी में 2 ट्रक अंग्रेजी शराब की हजारों पेटियों से भरे हुए थे, जबकि एक ट्रक खाली खड़ा था। पुलिस ने सभी ट्रक को शराब सहित अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। जुलाना में त्योहार को देखते हुए पुलिस ने बाजार में अपनी गश्त बढ़ा दी है। पुलिस की विशेष नजर बुलेट मोटरसाइकिल पर है जो भीड़ में पटाखे बजाते हैं और लोगों को तंग करते हैं। पुलिस ने 2 बुलेट मोटरसाइकिल पकड़े जो मॉडिफाइड किए हुए हैं। इनमें से एक बाइक 3,03,000 रुपए और दूसरी बाइक 3,35,000 रुपए का चलान किया गया है। जजर के गांव सुरहेती में एक मंदबुद्धि युवती का शव गांव के जोहर सेबरामद में मिला है। युवती की पहचान मजीद के रूप में की गई है। पुलिस ने लड़की के पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई।
कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में कूड़े के ढेर की वजह से गैस पाइप लाइन में अचानक से गैस लीक होने लगा, जिससे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में साईं मंदिर चौक के नजदीक गड्ढा खोदा गया। इसमें कूड़ा इकट्ठा होने के बाद पड़े कचरे में आग लगा दी गई। IGIMS के डॉक्टरों ने एक यूनिक सर्जरी की है। गन्नौर के बारासुलपुर गांव में एक युवक पेट में लोहे के दो सरिये आर पार हो गए थे। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज T20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 का अहम मुकाबला खेलने जा रही है। शाम 7:30 बजे दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हारकर अजीब स्थिति में फंस चुकी हैं और ग्रुप की शीर्ष दो टीमों में जगह बनाकर सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें यह मैच जीतना ही होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं और इस मैच में कई दिलचस्प पल देखने को मिल सकते हैं। मुकाबला दुबई में खेला जाना है, जो एक बड़ा मैदान है। इस वेन्यू पर बल्लेबाजों और फील्डरों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी।